छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को केवल एक वर्ष का समय बाकी रह गया और इस दरमियान सभी पार्टियां बैठकों का दौर शुरू हो गया। इस बीच कांग्रेस पार्टी की भी बैठक होने वाली है। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा फूलो देवी नेताम जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, कल होने वाली बैठक के बारे में बताइए। देखिए, हमारा ये प्रदेश महिला कांग्रेस का रेगुलर बैठक है। हर महीने के 25 तारीख को डेट फिक्स है, उस तारीख को महिला कांग्रेस का बैठक होती है। पूर्व में लिया गया निर्णय में कितना काम हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम समीक्षा करेंगे। उसके साथ साथ 19 नवंबर को चूँकि इंदिरा जी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और वो 19 तारीख को समापन दिवस के अवसर पर यहाँ पे महिलाओं का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय पुनिया जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय उराव जी भी शामिल रहेंगे और उसके साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हमने निवेदन किया है कि उस प्रोग्राम में आप आएँ। और राष्ट्रीय स्तर पर यदि इस तरह के कोई प्रोग्राम नहीं होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आएंगी। मैम, अभी राज्य सरकार के लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल कलेक्टरों की बैठक हुई, आज एसपी और कलेक्टरों की बैठक हुई, उन्हें मिलकर काम करने का निर्देश दिया जा रहा है सीएम के द्वारा, उसमें आप क्या समझती हैं? देखिए, राज्य सरकार द्वारा मिलकर काम करने का निर्णय दिया जा रहा है वो उनकी है, पर मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्या है, 14 साल हो गया मिलजुल के तो काम कर रहे हैं, उनके अधिकारी कहीं पे उनका बात नहीं सुन रहे हैं। कोई विधायक लेटर बना के देता है तो उसका भी काम नहीं होता, ये उनके अधिकारी का रवैया है। भाजपा की सरकार में नौकर शाह का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, मनमानी ढंग से चला रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले 2018 के चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस के नेता ही सरकार चलाने अच्छी तरह जानते हैं। मैम, छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं का वोट बहुमूल्य मायने रखता है, तो आप घर घर तक पहुंचने के लिए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के रसोई तक पहुंचने के लिए क्या आप लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि मोर्चा में? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मतदाता है तो महिलाओं का मतदाता है और इस बार छत्तीसगढ़ की महिलाएं अस्वस्थ हैं, कांग्रेस को वोट करेंगी, कांग्रेस की सरकार बनाएंगी। महिलाएं बहुत ज़्यादा भाजपा की सरकार में त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा महिलाएं परेशान हैं। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होती है, आए दिन बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, उसका ये भाजपा सरकार किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती। परेशान होकर थाना में जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से दबाव रहता है, उनके खिलाफ़ में कोई किसी प्रकार की FIR दर्ज नहीं करते, केस नहीं बनती, जो पीड़ित है वो पीड़ित ही रहता है, उनको कहाँ का न्याय मिलता है? आज तक कहीं पे भी ऐसे जो महिलाएं हैं जिनके साथ दुराचार हुआ है आज तक न्याय नहीं मिला है। मैम, इस चुनाव में महिला मोर्चा क्या खास करेंगी कि महिलाओं का रुझान उनके तरफ आए या पुरुषों का ध्यान उनके तरफ आए, इसके लिए कुछ आप निर्णय अगर कुछ वो किया होगा, आप लोगों ने डिस्कस किया होगा? छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहुत समझदार हैं, उनको रुझाने के लिए हमारी जो महिला टीम है, हमारी जो महिला के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और मैं ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा पंचायत से चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं तो वो कांग्रेस की हैं और कांग्रेस की महिलाएं हैं। वो निश्चित रूप से हर घर घर जाएंगे, पोलिंग स्तर पे जाएंगे, वोट मांगेंगे, भाजपा के नाकामियों के बारे में चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे और उसका फ़ायदा मिलेगा। मैम, देखा गया है कि जो पार्टी वेब में ज़्यादा एक्टिव रहती है उनको हमेशा से फ़ायदा रहता है, तो आप क्या ये कर रही हैं कि सोशल मीडिया में और वेब में आप लोग छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या प्रयोजन किया? देखिए, हम लोग दिखावा नहीं करते, हम लोग काम करते हैं और काम पे विश्वास करते हैं और हमारी टीम पूरी काम करेगी और विश्वास है इस बार कि लगातार 3 बार देख चुकी है यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं कि भाजपा सरकार में किस तरह उनको परेशानी उठानी पड़ी है वो अच्छी तरह जान चुकी है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो ये हमारे साथ थी कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्षा
फूलो देवी नेताम, इन्होंने बताया कि आने वाले समय में कांग्रेस में और भी बैठकों का दौर तेजी पकड़ेगा। सिवा के साथ रविंद्र विश्वकर्मा, glip.in, रायपुर। For more information, log on to www.glips.in.